कानपुर में चोनिया रोड पर वाके गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की मेन गली में अरसे दराज से गटरों के मेन ढक्कन गायब और सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, जिसकी वजह से गटरों का गंदा पानी पूरी गली में जमा हो गया है, जिसके बायस सैकड़ों तालिबात इस गटरों के गंदे पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर है। इस हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी में कई बार रुजू किया गया और असिस्टेंट कमिश्नर डेपालपुर के नोटिस में भी ये बात दिलाई गई कि सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करवाया जाए, मगर इंतजामिया के कानों पर जू तक ना रेंग रही है। जबकि दूसरी जानिब इस गलीज पानी में कई बार बच्चे गिरकर जख्मी भी हो चुके हैं और गटरों के मेन ढक्कन ना होने की वजह से किसी भी वक्त कोई बच्चा गटर में गिर सकता है और जानी नुकसान होने का खदशा भी है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कमिश्नर देपालपुर से फौरी तौर पर मुतालबा करने और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।